गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं? यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने चाय भी चढ़ा दी है। चाय चढ़ाने के बाद मैंने सब्जियाँ काटी हैं। आज मुझे मिक्स वेज बनाना था तो, और मेरी चाय बन भी गई है। चाय पीने के बाद मैंने गुनू के लिए यहाँ पे ब्रेड सेका है, क्योंकि उसे ब्रेड खानी थी, तो बस यहाँ मैं उसके लिए ब्रेड सेक रही हूँ। और मैंने सब्जियों की तैयारी, सब्जी बनाने की तैयारी कर ली है। तो मिक्स वेज बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में प्याज डाल दिया है और टमाटर डाल दूँगी, और आधी गिलास के करीब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। और अब मैं इसे उबलने के लिए छोड़ दूँगी। और एक दूसरी कढ़ाई चढ़ा लूँगी, उसमें मैं तेल डाल के, जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं सबसे पहले आलू को तल लूँगी। आलू जब हमारे थोड़ा सा हल्के भुन जाएंगे तो फिर मैं उसमें गाजर को डाल लूँगी, क्योंकि गाजर और आलू पकते थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ मैंने गाजर डाल लिया है। जब हमारे गाजर पक जाएंगे तो मैं इसमें गोभी काट के रखी हूँ तो वो डाल दूँगी। और गोभी मैंने गर्म पानी से धो के रख लिया था। जब तक वहाँ पे मेरी गोभी भुन रही है तब तक मैं यहाँ पे दाल चढ़ा देती हूँ, और साथ में मेरे टमाटर और प्याज भी बॉयल हो रहे हैं। गोभी भी हमारी भुन चुकी है तो मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च डाल दी है, और शिमला मिर्च हमारे जल्दी पक जाते हैं। शिमला मिर्च के बाद मैंने इसमें मटर डाल दिया है, तो अब थोड़ा सा मटर को भी पका लेंगे। और हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से पक चुके हैं, और अब मैं इन्हें साइड पे कर दूँगी। और बीच में थोड़ा सा जीरा होने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा मिर्च डाल दूँगी। मिर्च को भी अच्छे से मैं चला लूँगी ताकि वो थोड़ा सा भुन जाए। मिर्च के हो जाने पे फिर मैं इसमें लहसुन डाल दी हूँ। लहसुन के बाद मैंने इसमें अदरक डाला है। अदरक को भी मैंने किस के रखा था। अदरक के बाद इसमें धनिया और हल्दी डाल के मैं इसे मिला दूँगी। और अब मैंने जो टमाटर और प्याज उबाल के रखा था उसको डाल दूँगी इसके ऊपर। और बस मैंने यहाँ पे इसे मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया है और थोड़ा सा पानी डाल लिया। इसे बॉयल होने देंगे, और जब हमारे ये बॉयल हो जाएगी अच्छे से तो इसमें धनिया पत्ती डाल के इसे अलग कर लेंगे। तो हमारी सब्ज़ी बॉयल हो गई है, और मैंने इसमें धनिया पत्ती भी डाल दिया है, और हमारी सब्ज़ी रेडी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरा खाना बन चुका है और मैंने चाय वगैरह भी पी ली है। मैंने दो बार चाय पी ली है, और अब मैं जाऊंगी बर्तन धोने, और फिर मैं गुन्नू को रेडी करूंगी। गुन्नू को रेडी करने के बाद मैं यहाँ पे किचन पे आ गई हूँ रोटी सेकने, क्योंकि पापा आ गए थे। तो बस मैं यहाँ पे रोटी सेक रही हूँ, और थाली पापा को दे आई हैं अम्मा, और यहाँ वो उनके लिए पानी गुनगुना रही हैं, क्योंकि ठंड है तो पापा गुनगुना पानी पीते हैं। तो अम्मा पानी रखी है इंडक्शन में। मैं पूरे काम वाम करके फ्री हो गई हूँ किचन से, मतलब दोपहर के काम से, और गुनगुना
अब जा रही हूँ इसको सुलाने। चलो चलो सो जाए। ना। क्यों क्यों बोल रहा हूँ? ठीक है तो जाओ, शूज पहन लेना। शाम के बज गए हैं 5 और ना ही गुन्नू सोया है और ना ही मैं सोई हूँ, बट ब्लैंकेट के बाहर बिल्कुल भी निकलने का मन नहीं कर रहा है ना गुन्नू, ठंड इतनी ज़्यादा है तो बस ओढ़ के बैठे हुए हैं। अब उठूँगी मैं तो मुंह वगैरह धोऊँगी और फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं चाय। क्या बनाऊँगी? हाँ, अब गुन्नू को क्या दूँगी? केक दूँगी। क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ केक। क्या बनाने वाली हूँ? मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी है और अब मैं बर्तन को स्टैंड पे लगा दूंगी। कहाँ है केक? अभी केक बनाना है और फिर हम केक की तैयारी करेंगे। तो केक बनाने के लिए मैंने एक गंजी ली है और उसमें मैंने शक्कर डाली है 1 कटोरी के करीब। शक्कर डालने के बाद मैंने इसमें 1/2 गिलास के करीब पानी डाला है क्योंकि हमें शक्कर की चाशनी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने गैस में चढ़ा दिया है इसे और इसे अब मैं चला दूँगी और इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल दिया है क्योंकि इलायची अच्छी लगती है। और एक दूसरी कढ़ाई चढ़ा ली हूँ जिसमें मैं दूध डाल दूँगी और दूध मैं 1/2 किलो के करीब ले रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई में दूध डाल दिया है और अब हम दूध को चलाते रहेंगे। दूध में मैंने 4 चम्मच शक्कर डाली है और अब दूध को चलाते रहना है। मैंने 1 कटोरी में दूध अलग से निकाला था तो उसमें मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है और दूध में मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया है और हमारा दूध उबल चुका है अच्छे से। तो अब ये जो मैंने कॉर्नफ्लोर मिला के रखा था दूध में तो अब मैं इसे कढ़ाई में डाल दूँगी और दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो रहा है तो अब ये कॉर्नफ्लोर वाला दूध इसमें डाल देंगे ताकि ये गाढ़ा कर दे दूध को। तो बस अब यहाँ पे ये गाढ़ा हो रहा है, इसे चलाते रहना है कुछ टाइम तक, इसे पकाते रहना है और देख सकते हैं कि ये गाढ़ा होता जा रहा है। तो बस अभी से ऐसे ही चलाते रहें। हमारा दूध गाढ़ा हो गया है और हमें इतनी ही थिकनेस चाहिए। तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और हमारी यहाँ पे चाशनी भी तैयार है। चाशनी किसी तार की नहीं बनाना है, बस चिपचिपी होने तक। तो हम चाशनी की भी गैस ऑफ कर देंगे। इस केक को बनाने के लिए एक डिब्बा लेना है, वैसे तो चौकोर होना चाहिए बट मेरे पास नहीं था तो मैंने मसालेदानी खाली कर लिया है और टोस्ट सेट कर लिए हैं और उसमें गरम गरम चाशनी डालना है। चाशनी को ठंडी नहीं होने देना है और फिर हम उसके ऊपर जो दूध रखे हैं मतलब जो गाढ़ा किए हैं उसको वो कोट करना है इसके ऊपर और वापस से दूसरी लेयर में भी सेम प्रोसेस करना है। और चाशनी गरम होनी चाहिए और दूध भी गरम गरम ही होना चाहिए। फिर लास्ट में हम इसमें बादाम डाल के बादाम से इसे डेकोरेट करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और हमारा केक रेडी है। मेरी रबड़ी थोड़ा कम थी शायद और केक हमारा अच्छे से 2 घंटे हो चुके हैं और मैंने केक को फ्रिज के बाहर कर लिया है और अब हम इसे काटेंगे।
हम सब ने केक खा लिया है, गुनू को बहुत पसंद आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है और कम टाइम पे बहुत अच्छा बनने वाला केक है और मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है, इसके पहले मैंने कभी नहीं बनाया है, बट अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। तो आज की वीडियो को यही पे एंड करते हैं और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।